भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, दुनिया बड़ी मदर चित्तर है और आज हम इस दुनिया को मदर चित्तर बनाने वालों की पैंट छोलियों को नापने की कोशिश करेंगे। 50% लड़कियां अमीर बुड्ढों से फंसी हुई हैं, 30% लड़कियां अमीर लड़कों से फंसी हुई हैं, 10% लड़कियां फंसने का नाम ही नहीं लेती और बाकी जो फंसने वाली हैं वो लड़कियां फंसा के लेस्बियन बनी पड़ी हैं। और दूसरी तरफ 50% लड़के फेक प्रीशियस पर की आईडी बनाते हैं और फिर फेक पापा की परी को फंसा के रात को इमोशनल हो रहे होते हैं कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी अपनी नस काट लूंगा, और बाकी 50% की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती और खानदान वालों को ये लगता है कि इससे बड़ा हरामी कोई है ही नहीं। पता नहीं कितनी लड़कियों की वर्जिनिटी ले चुका होगा, पता नहीं कितनों की गोदें भर दी होनी है और हमारा ये हाल है कि पूरा दिन ये सोचते रहते हैं एक दफा शादी हो जाए, 3 हफ्ते तक कुंडी नहीं खोली पैंचो। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले कुछ उन लड़कों की जिनकी क्रश उनकी खुद की भाभी होती है। मतलब कसम से भाई, उन लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता होगा कि अपने भाभी को कैसे पटाएं। तो मैं एकदम सिंपल वे बता रही हूँ अपने भाभी को पटाने का, कुछ नहीं करना है, भाभी से बना के रखो वो ठीक है, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने भाई से बना के रखने की। अपने भाई की गांड चटाई करो, कभी कभी उसका हिला दो, लड़के बाल काट दो, मतलब इन शॉर्ट अपने भाई से बना के रखो फुल ऑन, ठीक है। कुछ नहीं, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको बता देना कि भाई मुझे तेरी बीवी पसंद है, कुछ नहीं होगा। बस गांड के बगल में जब वो सैनिटाइज डंडा करेगा ना दूसरा, जब दो गड्ढे होंगे, जब दो गड्ढों से हवोगे भोसले के, तो दिमाग में दोबारा ये चीज़ आएगी ही नहीं। भाभी पटाएंगे, मां दचो लड़की पटने भी भाभी पटाएंगे। इसके हिसाब से किसी से बनाने के लिए उसका हिलाना पड़ता है, लोड़े के बाल भी काटने पड़ते हैं। ठीक है पुत्र, बंदी नहीं मिलती, लेकिन भाभी पे नजर कौन डालता है? हमारे यहाँ तो भाभी की दोस्तों पे नजर होती है। पहली बात तो ग्रुप के किसी बंदे से फंसती नहीं है, और अगर किसी से फंस भी जाए तो वो एंजल प्रिया सविता भाभी अपने दोस्त ही होते हैं जो कि हर रात उसे न्यूड्स मंगवाते हैं। और अगर सच में गलती से बदकिस्मती से कोई फंस भी जाए तो हर दोस्त अपनी भाभी की इतनी कदर करता है जितना वो अपनी पियू की भी नहीं करता। हर रोज भाभी को हर बंदे की तरफ से सलाम जाता है, घर में चाहे खुद को रोटी ना मिले, लेकिन जिसके पास बंदी है उसकी दिन में 2 दफा दावत अपने घर पे ही करते हैं कि भाभी को लेके हमारे घर दावत पे जरूर आना। वैसे तो गली की नुक्कड़ पे एक सिगरेट को 4 लोग निशान लगा के पीते हैं, लेकिन इनकी भाभी की नजर में एक अमेरिका होता है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका, और एक तो शायद मार्स पे भी होता है। और भाभी भी किसी से कम नहीं होती, रिक्शे की बैक सीट उसके लिए ओडी है, भैंस जो घर में इन्हें कोई सोने के लिए बिस्तर पे तकिया और जमीन पे जगह ना देता हो, लेकिन सोने से पहले इन्हें 300 की डेयरी मिल्क चाहिए क्योंकि वो खाए बिना इन्हें नींद ही नहीं आती। गलती से अगर उनसे फोटो मांग लो तो इनका मनपसंद डायलॉग, मेरे फोन का कैमरा खराब हो गया इसीलिए मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स लेके दो, लेकिन चार्जर नहीं भिजवाना, वो मैं पापा को बोल के एप्पल की कंपनी स्पेशल बनवाऊंगी जो बिजली के बगैर चलता और जान डालो वहाँ घुस के एडजस्ट हो जाता है। इनका खुद का मुंह चाहे जली हुई चर्स वर्गा हो, लेकिन लड़का इन्हें वो चाहिए जिसके पास ब्लैक सिविक हो। इनके हिसाब से खसम इन्हें आईफोन 12 प्रो मैक्स दे, रोज चॉकलेट्स दे, कपड़े लेके दे, और महीने का 40-50 लाख तो कम से कम इनको दे ही। और ये सब देने के बाद भी उसके पास ब्लैक सिविक होनी चाहिए, वो तो शुक्र है इनके पास लन नहीं होता, वरना इन्होंने तो लड़कों की मार मार के उनके चलने का स्टाइल ही बदल देना था। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ 1xBet के बारे में। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो 1xBet वाले अपना काम पाकिस्तान में ओपन कर रहे हैं। तुम लोगों को नीचे दिए गए लिंक पे जाके वहाँ से रजिस्टर करना है, 2 दिन के बाद तुम लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग अपना प्रोमो कोड बना के अपने सोशल मीडिया या कहीं भी शेयर कर सकते हो, और जिसने भी तुम लोगों का प्रोमो कोड यूज करके इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट का 25% तुम लोगों को मिलेगा, और जो भी तुम लोगों का प्रोमो कोड यूज करेगा उसे फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% कैश बैक मिलेगा। तुझे मुझसे मिलाया है, गर्मी बहुत चढ़ गई यार। टप 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 गांडू, तेरी मैं तू ही जे स्प्रे मारा, तू ही जे सादिया मर्चा पाओ, नहीं तू ही जे सुईया मर्चा पाओ, नहीं तू ही जे काला खीरा पाओ, नहीं तू ही जे बैंगड़ पाओ, नहीं बोंडू जे ऐ पाओ, इन्हें नाम मैंने पता नहीं, जिसने पता होया नीचे कमेंट कर दे, नहीं तू ही जे केले पाओ, नहीं तू ही विच पूरा स्टोर पाओ। अब इस पैन लान को ही देख लो, फैंचो अभी एक रोस्ट पूरा नहीं होता और दूसरी जगह टिकटॉक पे पहले ही पहुंची हुई होती है। ऐसा तब होता जब आपने फेसबुक पे पापा की डोल फंसाई हो और आप उसे आईफोन 11 भी गिफ्ट कर दो, बेशक वो पापा की डोल लड़का हो, लेकिन आईफोन देखने के बाद आप उसे लाजमी दोगे कि कहीं आईफोन हाथ से न जाता रहे। अगर देने वाले की कहानी बयान की जाए तो ऐसी सिचुएशन तब बनती है जब उसने बाबा की डोल के लिए आईफोन ले लिया और उसे पता चले कि वो बाबा की डोल नहीं मामा का परा है, लेकिन आपका पानी गले तक पहुंचा है और आपने आईफोन भी ले लिया, तो आप बोलो कि खर्चे तो हो ही गया, तू ही आ जा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि 1xBet पे इन्वेस्ट करो तो कुरंदाजी में आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स मिलेगा। दोस्तों आईफोन 11 प्रो मैक्स के विनर का नाम है हसन अली फ्रॉम मानसहरा, तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू ब्रदर। और अगर आप भी आईफोन जीतना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके मेरा प्रोमो कोड राजा जी यूज करके इन्वेस्ट करो। डिपॉजिट के लिए आप इजी पैसा या जैस कैश दोनों यूज कर सकते हो, फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% कैश बैक मिलेगा और विड्रॉ का तरीका भी सेम ही है। ऐसे ही नहीं कहते कि दुनिया मदर चौदह है, इस भलाई के जमाने में भलाई करना भी जुर्मी है। ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा चिराग रगड़ो और उसमें से जिन्नी निकलेगा, ये हर सुराख में हाथ डालो तो तुम्हें मजा ही आएगा। ऐसे चस्का चोर लोग ही होते हैं जिन्हें चस्का लेने की इतनी आदत होती है कि अगर एक गली में कुत्ता और कुत्ती भी सेक्स कर रहे हो तो खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं, इनका बस नहीं चलता, वरना ये भी उनके साथ मिलकर डबल पेनिट्रेशन शुरू कर दे, क्योंकि इनमें और उनमें ज्यादा फर्क भी नहीं है। भलाई करने की इन्हें इतनी आदत होती है कि अगर इनका बस चले तो ये दूल्हा और दुल्हन के रूम में चले जाएं और लड़की से पूछेंगे अगर सेक्स करते वक्त तुम्हारी टांगें थक जाएं तो मैं आ जाऊं पकड़ने के लिए। तो दोस्तों मेरा ब्रेकअप हो गया,
वो कहता है कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ मैं गुस्सा, नहीं जरा भी गुस्सा आता है मुझे, नहीं तुम ही लोग बताओ फालतू आदमी बेवकूफ। दोस्तों मैंने इंतकाम लेने का पूरा मूड बना लिया था, फिर मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा तो वो आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ा। फिर मैंने सोचा मैं इंस्टाग्राम पे फैशन ब्लॉगर बन जाती हूँ, इंस्टा क्वीन बन जाती हूँ। फिर याद आया कि फैशन के नाम पे मुझे सिर्फ लाइनर लगाना आता है, वो भी टेढ़ा। दोस्तों अब मैं उसके बेस्ट फ्रेंड को पटा लेती पर वो भी चोमू है। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हूँ और वो फोटोज स्टोरी में लगा रही हूँ ताकि उसे पता ना चले कि मैं 3 AM पे साजन वाले गानों पे रोती हूँ। तो दोस्तों मैं इस ब्रेकअप से काफी मच्योरली डील कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो एक मच्योर लड़की कर सकती है, सैड स्टेटस से सबका मूड खराब। दोस्तों फिर मैंने सोचा मैं जिम जाके हॉट बन जाती हूँ, फिर याद आया कि शक्ल तो ऐसी रहेगी। दोस्तों माय रिलेशनशिप को 1 हफ्ता हो गया था अभी परसों ही, बहुत बुरा लगता है जब आप किसी को इतने समय से जानते हो। मैंने तो अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम भी चेंज कर लिया था। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स करो और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फड्डों में बेवजह फंस जाऊंगा, लड़के ज्यादा देखे तो गिर डाल के नस जाऊंगा, मेरी ये जिंदगी है रोलर कोस्टर राइड, यस आई एम अ पिंडी बॉय बिच आई गॉट अ प्राइड, आओ कर रहा हूँ।